वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत सरकार वालों सिख फौजियां नूं आने वाले समय के विच हैलमेट पहनाउण संबंधी यतन किए जा रहे हैं, ये मीडिया राही पता लगे। अजिहे यतन अंग्रेज सरकार ने भी दूसरे विश्व युद्ध दौरान किए सन। उस वक्त सिख फौजियां ने ब्रिटिश हकूमत के इस फैसले नूं जिहड़ा सी वो रद्द किया सी, क्योंकि दस्तार सिख दे सिर ते बन्निया कोई 5-7 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये गुरु साहब वालों बख्शिया सानू ताज है और साड़ी पहचान का प्रतीक है। तो साड़ी पहचान दे प्रतीक दस्तार दे उत्ते किसी किस्म का टोप पाउणा ये साड़ी पहचान नूं खत्म करन दे यतन वजों ही वेख्या जाएगा और ना ही पंथ इसनूं किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त करेगा। साड़ी परंपरा दे विच, साड़ी मर्यादा दे विच टोपी पाउणा जिहड़ा सिख नूं ये वर्जित करार दिता है, चाहे वह कपड़े की होवे ते चाहे वह लोहे की होवे। होए सिख सिर टोपी तरह सात जन्म कुश्ती होई मरे, ये साडे स्रोतों के उदाहरण जिहड़ियां ने वह मिलदियां ने। साडा रक्षक अकाल पुरख है। दूसरे विश्व युद्ध दौरान सिखां ने दस्तारा सजा के अपनी बहादुरी दिखाई। 1965, 1962, 1971 दीआं जंगां दे विच वी सिख सिपाहियां ने सिरां ते दस्तारा सजा के वैरियां नूं जवाब दिता, लेकिन लोह टोप जिहड़ा है जिहनूं अज असीं हैलमेट कह दिंदे आ ये बिल्कुल जिहड़ा है वह नहीं पहने। और कुछ संस्थावां भी जिहड़ियां इस नूं प्रमोट कर रही ने, यह भी बहुत मंदभागी गल है। बल्कि एक helmet.com नाम की एक वैबसाइट जिहड़ी वह बना दी गई है, जिहड़ी हैलमेट नूं सिखां दे विच प्रमोट करन दा यतन कर रही है, जिहनूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो भारत सरकार नूं, भारतीय फौज के अफसरां नूं ये मुड़ जिहड़ी है इस मसले के उत्ते गौर करनी चाहिए है, क्योंकि हमेशा ही सिखा ने भारतीय फौज के बहादुरी के नाल, दलेरी के नाल, दुश्मनों के नाल मुकाबले किए हैं। तो हुण सिखा के सिरां के उत्ते जिहड़ा गुरु साहिबान वालों बख्शिया ताज है, किसी लोहे वर्गी टोपी नूं पहनाउणा ये साडी पहचान नूं खत्म करन दे तुल होएगा, जिहनूं कदे भी किसी कीमत दे उत्ते पंथ दीआं संस्थावां, समुचा गुरु खालसा पंथ बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत सरकार नूं इस फैसले दे उत्ते मुड़ जिहड़ी है गौर करनी चाहिए है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।